खैर भारत छोटी सोच वाला देश, इलाके का दादा बनना छोड़े। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम सक्सेस मंत्रा में। आज हम बात करेंगे बतौर मेकअप आर्टिस्ट अपना करियर बनाने की, खूबसूरत दिखने और दिखाने की चाह अब खुद के इंटरेस्ट से लेकर प्रोफेशनल तक बनी हुई है। पार्टियों में जाने के लिए किए जाने वाले मेकअप से लेकर कलाकारों के मेकअप तक इसकी जरूरत से हर कोई वाकिफ भी है, लिहाजा ये मेकअप करना शौक भी हो सकता है और एक कामयाब करियर भी। करियर बनाने के लिए इस फील्ड की पूरी जानकारी आपको होना जरूरी है। अगर आप भी मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए अपने पैशन को करियर बनाना चाहते हैं, उससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप भी हमारे शो में हिस्सा ले सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, सक्सेस गुरु खुशबू मिश्रा। बहुत स्वागत है खुशबू आपका स्टूडियो में। आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हम शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। विकी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ब्यूटी इंडस्ट्री 30% की दर से बढ़ रही है। कुछ साल पहले तक मेकअप आर्टिस्ट के करियर को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, लेकिन अब बाजार की बढ़ती मांग ने इसमें सम्मान भी जोड़ दिया है। यही वजह है कि अब मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर करियर बनाने के लिए युवा ट्रेनिंग लेने लगे हैं। ब्यूटी चेन में अच्छी जॉब उन्हें मिलने लगी है और कम पूंजी में खुद का व्यवसाय शुरू करने लगे हैं। मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको सौंदर्य बोध होना चाहिए। मेकअप एक कला है और इसके प्रति रुझान भीतर से ही होना चाहिए, तभी कोई मेकअप आर्टिस्ट किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। आज मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ फैशन मॉडल्स या फिल्मी सितारों की ही जरूरत नहीं है, बल्कि शादी के सीजन में इन लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। अब तो इसमें भी स्पेशलाइजेशन हो गया है, जैसे कोई सिर्फ दूल्हे का मेकअप करता है तो कोई दुल्हन का, और यही नहीं हर परिस्थिति में मेकअप अलग अलग होता है। फिल्मी कलाकारों, स्टेज आर्टिस्ट, फैशन इवेंट, सबके लिए अलग मेकअप होता है। खुद काम शुरू करने के अलावा बतौर फ्रीलांस भी इसमें है ढेरों काम। इस क्षेत्र में आने वालों को बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के दौरान ही आपकी कमाई होने लगती है। और आप कैसे करियर बना सकते हैं, हम अपने साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं खुशबू मिश्रा, उनसे जानेंगे। नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं और आप उन नंबर्स पर फोन करके अगर आप भी इस फील्ड में आना चाहते हैं और अपने पैशन को करियर बनाना चाहते हैं तो आप खुशबू जी से सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं जानना चाहूंगी वो ये कि देखिए, पहले से ही बहुत आदिकाल से भी देख लें तो सुंदर दिखने की चाह तो हमेशा से रही है, लेकिन अभी में और तब में जो फर्क है वो ग्रेजुअली किस तरीके से आया है, कैसे आप उस फर्क को महसूस करती हैं? जी, पहले और अब में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है, बिकॉज पहले जो मेकअप होता था वो पर्सनल प्रेफरेंस के लिए होता था, पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग होता था। आजकल जो मेकअप होता है, मेकअप इज सच अ बिग इंडस्ट्री, यू नो, फैशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती जा रही है, मेकअप इंडस्ट्री उसी के अकॉर्डिंग बड़ी होती जा रही है, वेडिंग इंडस्ट्री इज बिकमिंग सो ह्यूज। सो अब इस वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है पहले और अब में। जी, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें थोड़ा सा, हालांकि हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको कैसे आप कैटेगरिकली बताएंगे कि ये फील्ड्स हैं अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो, क्योंकि कई बार एक स्पेशल फील्ड में जाना बेहतर होता है, कई बार जैक ऑफ ऑल बनना भी क्या ठीक रहता है। सबसे पहले तो जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उन सबका वेलकम करना चाहूंगी, बिकॉज मेकअप इंडस्ट्री इज ओपन एंड एंडलेस इंडस्ट्री ऑफ क्रिएटिविटी। सो देर इज अ, यू नो, ह्यूज प्लेटफॉर्म इन मेकअप इंडस्ट्री। इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ फैशन और मूवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री और टेलीविजन और यू नो वेडिंग इंडस्ट्री, सो देर इज सो मेनी थिंग्स टू डू विच यू कैन, यू नो, इफ यू ऑप्ट मेकअप एज योर करियर। जी, अलावा इसके सजेस्ट क्या करेंगे आप उन लोगों को, देखिए क्योंकि कई बार ये मेकअप को लेकर भी भ्रांति होती है, मेकअप को लेकर लगता यह है कि जितना आप अप्लाई करते जाएं दैट इज मेकअप, लेकिन अभी शायद ट्रेंड बदला है कि जितना न्यूड या जितना नेचुरल लगता है वो ज्यादा कहा जाता है कि हाँ वास्तव में यही मेकअप है जो आपको मेकअप फील करवाए।
एक्चुअली मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक नेचुरल बट नेचुरल दिखने के लिए यू नो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड ऑफकोर्स मेकअप टू मेक यू लुक नेचुरल ऑन कैमरा और इन पर्सन एज वेल. सो या योर क्वेश्चन वॉज दैट मेकअप आजकल नेचुरल यू नो लोग प्रिफर करते हैं नेचुरल मेकअप. सो यस आजकल पहले जैसे कॉन्टोरिंग चलती थी हैवी कॉन्टोरिंग डार्क कॉन्टोरिंग अब लाइक पीपल एंड द न्यू ट्रेंड इज अबाउट कीपिंग लो ऑन कॉन्टोरिंग एंड हाई ऑन हाईलाइटिंग. यू नो यू मस्ट हाईलाइट दी हायर पॉइंट्स ऑफ योर फेस वेयर द लाइट्स हिट्स डायरेक्टली एंड कॉन्टोरिंग कीप इट सटल. सो दिस इज अ वे यू नो यू कैन लुक द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ योर सेल्फ. ओके जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगी आप कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि कईयों में तो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कईयों को लगता है कि शायद कोई कोर्स या हम कुछ ऐसा कर लेंगे तब हमारे लिए शायद ज्यादा रास्ता आसान हो जाएगा. आप क्या सजेस्ट करेंगी? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं. पहला सेटिस्फैक्शन ऑफ योर क्लाइंट. हमेशा अपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए अपने क्लाइंट को समझिए उसकी रिक्वायरमेंट को समझिए उसकी पर्सनल स्टाइलिंग को समझिए एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप उसे लुक दीजिए. इससे योर क्लाइंट विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड विल कीप योर क्लाइंट सेटिस्फाइड. सेकेंड ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग. यू नो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर सराउंडिंग इवन इफ यूर रीडिंग यूर ट्रैवलिंग यूर वॉचिंग एनी फैशन शोज यूर वॉचिंग एनी यू नो मूवी. सो हमेशा इंस्पिरेशन लीजिए जो आपके काम में आपकी मदद कर सके. And last but not the least is like practice, practice and practice. Keep on practicing. Okay. And this would make you your career in makeup industry on any level you want to. किन किन चीजों की समझ होनी चाहिए एक मेकअप आर्टिस्ट को क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आपके पास कोई आया और आपने उसके ऊपर कुछ अप्लाई कर दिया और उसको चार घंटे के लिए सुंदर दिखा दिया. ये शायद क्राइटेरिया नहीं है इस पूरी इंडस्ट्री का. लेकिन क्या क्या आपको आना चाहिए और किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने क्लाइंट की प्रेफरेंसेस को समझना चाहिए उसकी स्किन को समझना चाहिए कि किसी की स्किन ऑयली होती है किसी की ड्राई होती है किसी की सेंसिटिव होती है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट यूज करना चाहिए. स्किन केयर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि यू नो मेकअप लगाने पे. पहले स्किन की प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके बाद स्किन की प्रिपरेशन के बाद अगर यू नो आपको मेकअप अप्लाई करना चाहिए. एंड हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रही हैं दीपाली हैं दिल्ली से. स्वागत है दीपाली जी आपका. क्या है सवाल? मैम मेरा सवाल ये है कि मेकअप करने से साइड इफेक्ट जो साइड इफेक्ट होते हैं क्या ये सवाल है आपका? जी आई वुड से बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं अगर आप सही प्रोडक्ट यूज करती हैं एंड मेकअप करने के पहले अगर आप अपने स्किन केयर पे ध्यान देती हैं इफ यू आर यूजिंग गुड क्लेंजर गुड टोनर एंड गुड मॉइस्चराइजर एंड ऑफकोर्स Without primer is a crime, you know. Priming is, if you're not priming, then that's a major crime. If you're using a good primer, as per your skin type, so कभी भी आपकी skin को makeup harm नहीं करेगा, बल्कि आपकी skin को makeup protect करेगा. Okay, आकांक्षा एक और दर्शक हैं दिल्ली से ही. आकांक्षा स्वागत है आपका. क्या सवाल है? मैम मुझे एक्चुअली मैं भी एक पार्लर रन करती हूँ लेकिन मुझे फिर भी पूछना है कि HD मेकअप और एयरब्रश मेकअप में क्या डिफरेंस है? ओके HD एंड एयरब्रश. यस दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आकांक्षा. थैंक यू फॉर दैट बिकॉज नाउ दीज डेज सो मेनी पीपल गेट कंफ्यूज इन HD एंड एयरब्रश मेकअप. HD मेकअप मैं कहना चाहूंगी एक टेक्निक है. इट्स जस्ट अ टेक्निक ऑफ ट्रेडिशनल मेकअप एंड एयरब्रश मेकअप इज डन थ्रू एयरब्रश गन एंड HD मेकअप इज डन थ्रू ट्रेडिशनल वे ऑफ यू नो अप्लाइंग मेकअप लाइक विद ब्यूटी स्पॉन्ज ड्यू फाइबर ब्रश और फाउंडेशन ब्रश. हम एयरब्रश मेकअप में भी HD मेकअप प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग HD प्रोडक्ट्स एंड इफ योर आर्टिस्ट इज गुड एंड इफ द मेथड ऑफ एप्लीकेशन इज राइट सो आप दोनों से आपको सेम ही रिजल्ट मिल सकता है. ओके अलावा इसके स्किन की क्योंकि आप बात कर रही थी और शायद जो बेसिक एक इफेक्ट होता है किसी भी मेकअप का वो स्किन टोन के साथ अगर नहीं है स्किन के टेक्सचर के साथ अगर नहीं है कलर स्कीम कलर टोन अगर आप सही नहीं लेते हैं तो वो ब्लंडर में भी तब्दील हो सकता है. तो इन सब चीजों को कैसे ध्यान में रखें और कैसे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस इंडस्ट्री में अपने आप को और ज्यादा इस्टैब्लिश करें या आगे बढ़ें उसमें? स्किन टोन का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए मेकअप में. आपको पहले अपनी स्किन को प्रॉपरली देखना चाहिए इन एक नॉर्मल लाइट सनलाइट में एंड देन देखना चाहिए आपकी स्किन वार्म टोन है कूल टोन है एंड उसके अकॉर्डिंग कभी भी ये ना सोचे कि मुझे गोरा दिखना है या मुझे फेयर दिखना है
ऐसा ना सोचें, जो आपकी स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट यूज करें। इफ यू वांट टू इनहांस फ्यू फीचर ऑन योर फेस तो आप उसके लिए कंसीलर यूज करें। कंसीलर हमारे मार्केट में बहुत ही अंडर रेटेड प्रोडक्ट है, बट इज द बेस्ट इफ यू वांट टू इनहांस समथिंग इन योर फेस। ओके, शेफाली एक और दर्शक है हमारे साथ, स्वागत है शेफाली, क्या है सवाल आपका? मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी होने वाली है इन नवंबर, तो मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो डस्की है विद ऑयली, आई हैव ऑयली स्किन, तो आप मेरे को सजेस्ट करो कि अभी ब्राइडल मेकअप में क्या कौन से ट्रेंड इन है। ट्रेंड, आई पर्सनली डोंट बिलीव इन फॉलोइंग वन पर्टिकुलर ट्रेंड, बिकॉज जरूरी नहीं है जो ट्रेंड चल रहा है वो सब पे सूट करे, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन यू नो प्रेफरेंसेज टुवर्ड्स मेकअप एंड दे हैव देयर ओन फीचर्स विच यू मे वॉन्ट टू हाईलाइट और विच यू मे वॉन्ट टू हाइड पुट बैक। सो बट देन ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट ट्रेंड, सो ट्रेंड इज ऑल अबाउट एज आई अर्लियर सेड, you know, going high on highlighters and low on contouring, and yes, then you can, you know, create a glam gorgeous look. ओके, अलावा इसके मेकअप का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि कहा जाता है कि आपकी स्किन के ऊपर उसका एक गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, स्किन आपकी ब्रीद नहीं कर पाती है, तो ये भी क्या वास्तव में है? क्योंकि अगर हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं, हमारी इंडस्ट्री भी, जैसे हम जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स जो लोग करते हैं या बॉलीवुड में जो लोग हैं, घंटों घंटों मेकअप अप्लाई वो रखते हैं, तो इट्स जस्ट अबाउट प्रोडक्ट और योर स्किन आपकी जैसी है उसके ऊपर ये ज्यादा डिपेंड करता है, या फिर जिन प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है? इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट्स। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, देन आप जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं आप उसमें इंग्रेडिएंट्स देखें। यू ऑलवेज गो फॉर नॉन कॉस्मोडोजेनिक और हाइपो एलोजेनिक और माई डाइमिथाइकॉन, दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विल प्रोटेक्ट योर स्किन इफ योर स्किन इज रियली ऑयली, बिकॉज दीज सैलिसिलिक एसिड, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स दीज इंग्रीडियंट्स एब्जॉर्ब एक्सेस ऑयल इन योर स्किन एंड प्रिवेंट ओपन पोर्स एज वेल एज योर क्वेश्चन वॉज। सो ये ओपन पोर्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लैक हेड्स होने से बचाते हैं, सो ये अल्टीमेटली आपके स्किन को प्रोटेक्ट ही करता है। ओके, एक और दर्शक है, मोनिका है हमारे साथ मध्य प्रदेश से, स्वागत है मोनिका, सवाल पूछ लीजिए अपना। मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरा डबल चिन ना बहुत विजिबल करता है, तो मेकअप से इसका कुछ हाइड हो सकता है ये? ओके, यस ऑफ कोर्स, डबल चिन के लिए अगेन यू कैन गो फॉर कॉन्टोरिंग, चूज अ शेड टू शेड लाइटर देन योर एक्चुअल नेचुरल स्किन टोन, उसको आप अपने जॉ लाइन पे यू नो जॉ लाइन पे यू कैन अप्लाई एंड यू कैन एक्चुअली कैमोफ्लॉज दैट, यू कैन नॉट हाइड इट एग्जैक्टली बट यू कैन कैमोफ्लॉज फॉर कैमरा और इन पर्सन। ओके, सेंसिटिव स्किन बहुत लोगों की होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ खास प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए जाना चाहिए, क्योंकि सब चीजें सब लोगों को सूट शायद थंब रूल नहीं होता है वैसा। सेंसिटिव स्किन के लिए अगेन एज आई सेड सैलिसिलिक एसिड, जो प्रोडक्ट आप लें, जो भी खरीदें, या तो आप फाउंडेशन खरीद रहे हैं या आप स्किन केयर ले रहे हैं, तो उसके लिए आप सैलिसिलिक एसिड देखें और हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट्स लें, उससे आपकी स्किन को, चाहे स्किन केयर में हो चाहे मेकअप में हो, आपकी स्किन प्रोटेक्ट भी रहेगी एंड ऑफकोर्स सेंसिटिविटी भी दूर होगी और उससे कोई एलर्जी नहीं होगी आपको। ओके, गरिमा हमारे साथ एक और कॉलर है उत्तर प्रदेश से, गरिमा स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। मुझे पूछना था कि मेरी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई थी और जब मैंने पूरा मेकअप वगैरह किया था, उसके दो दिन बाद मेरे फेस पे बहुत बड़े बड़े पिंपल्स आ गए थे, बहुत विजिबल था बहुत। अब आई डिडंट अंडरस्टैंड वेदर इट वाज ड्यू टू अ रिएक्शन ऑफ द मेकअप और समथिंग एल्स, बिकॉज अब मेरी शादी होने वाली है एंड आई कैन नॉट अफोर्ड कि मेकअप से ही मुझे किस तरह के ऐसे एलर्जीज हो जाए या कुछ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं दैट हाउ डू आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम कि मेकअप से इस तरह के रिएक्शंस ना हो स्किन पे? गरिमा, राइट? या सो गरिमा, ये वही प्रॉब्लम है जो मैं आपको भी बता रही थी, ये एलर्जी इस वजह से होती है बिकॉज आप रॉन्ग प्रोडक्ट यूज करते हो। अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट यूज किया होता जिसमें हाइपो एलर्जेनिक इंग्रीडियंट्स होते और सैलिसिलिक एसिड होता या नॉन कॉस्मेटोजेनिक प्रोडक्ट्स होते, सो आपको एलर्जी की प्रॉब्लम कभी नहीं आती। आपकी स्किन 100% सेंसिटिव स्किन रही होगी और उस पर गलत प्रोडक्ट यूज किया गया होगा इस वजह से। एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ द हाइजीन एज वेल व्हेन यू अप्लाइंग मेकअप, एज इन जो ब्रश आप यूज कर रहे हैं या स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं, सो वो प्रॉपरली सैनिटाइज एंड प्रॉपरली क्लीन हो। ओके, हाइजीन का आपने जिक्र किया, कई बार नहीं ध्यान में रखा जाता है, आप मेकअप करना तो आपको अच्छा लगता है, रिमूव करते टाइम आप कई बार आलस या फिर व्हाटएवर द रीजन आप उस तरीके से निकालते नहीं है, वो भी एक कई बार बहुत बड़ी समस्या शायद स्किन को लेकर हो सकती है। एक्चुअली इफ यू डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट टू मच ऑन मेकअप रिमूविंग प्रोडक्ट्स, तो आप
नेचुरल ऑयल यूज करें, आजकल तो इतने अच्छे नेचुरल ऑयल्स आते हैं, एज इन कोकोनट ऑयल इज अ वेरी गुड थिंग, होबा ऑयल इज अ वेरी गुड थिंग फॉर रिमूविंग मेकअप, एंड देन वॉश योर फेस. सो उससे आपको अपना मेकअप जितना लगाना अच्छा लगता है उतना ही हटाना भी अच्छा लगना चाहिए, सो दैट योर स्किन कैन ब्रीद वाइल यू स्लीप. ओके, स्किन केयर के लिए आप क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? स्किन केयर के लिए दैट डिपेंड्स, नेचुरल स्किन केयर और यू नो इफ यू डिपेंड्स, देयर आर सो मेनी स्किन केयर रेंज और मार्केट में, यू नो आप अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो गो विथ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स लाइक कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स और होबा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स. सो दीज आर द नेचुरल ऑयल्स, सो यू कैन यूज दैट. इवन पीपल हु हैव एलर्जी, जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, अगर वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स लगाते हैं, एज इन कोकोनट ऑयल लगाते हैं, तो उनकी एलर्जी की प्रॉब्लम चली जाती है, टैनिंग की प्रॉब्लम चली जाती है. एंड ऑफकोर्स स्किन केयर में नाइट क्रीम लगाना, आई का केयर करना, आई क्रीम लगाना, लिप्स को एक्सफोलिएट करना इफ यू आर गेटिंग मैरिड और इफ यू हैव अ फैशन शूट और एनीथिंग, सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, एक्सफोलिएटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके, मेरठ से एक और दर्शक है, रीता है हमारे साथ, स्वागत है रीता जी, क्या है सवाल आपका? जी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेकअप ये सबसे अच्छी ब्रांड कौन सी है? ओके, Yeah, I won't suggest one particular brand because there are so many brands, you know, you can't name anyone or everyone. So that's like, would be too difficult to name one particular brand. But yeah, you must, you know, whatever is your skin, like aapka jo bhi skin type hai, us skin type ke according, agar aapki oily skin hai, to oil free foundation lijiye. Agar aapki dry skin hai, to hydrating, you know, foundation or moisturizer use kariye. सो आपको बस इंग्रेडिएंट्स और जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो आप उसको अच्छे से पढ़ो, उसके बारे में रिसर्च करो, एंड देन आप उसको लो खरीदो. आसाम से एक और दर्शक नेहा है हमारे साथ, स्वागत है नेहा, क्या है सवाल आपका? मुझे ये पूछना था कि जैसे प्री ब्राइडल मेकअप वगैरह बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इज देयर एनी लाइक घर पे जो मैं कुछ इस तरह के कुछ फॉलो कर सकती हूँ कि मैं घर पे ही अपना स्किन केयर रूटीन कुछ फॉलो कर सकती हूँ? Yes, of course. There is nothing best than your kitchen, you know, because everything in your kitchen is obviously fresh. So, आप अपने किचन से बहुत सारी चीजें ले सकती हैं, जैसे कि एग वाइट आप लगा सकते हो, आप बेसन लगा सकते हो, बेसन एंड यू नो योगर्ट का पेस्ट लगा सकते हो, और एक्सफोलिएट कर सकते हो विथ कॉफी एंड ब्राउन शुगर, उससे आप एक्सफोलिएशन कर सकते हो, मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हो, एंड आटे का यू नो पेस्ट बना के, डिपेंड आपकी स्किन कैसी है, अगर ऑयली है ड्राई है उसके अकॉर्डिंग आप दूध या मलाई या दही के साथ उसको पेस्ट बना के, थोड़ा सा हल्दी डाल के, अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, एलर्जिक है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो. ओके, अलावा इसके स्किन केयर के लिए और किन चीजों की जरूरत होती है? सिर्फ जो आप अप्लाई करते हैं क्या उतना भर बहुत होता है, या जो आपका इनटेक है उस पर भी आपको एक चेक रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप स्किन को बाहर से आप सब कुछ अप्लाई करे जा रहे हो बट यू आर नॉट टेकिंग अ गुड डाइट्स, सो वो आपको रिजल्ट नहीं आएगा. सो ऑलवेज कीप हाई ऑन प्रोटीन एंड फाइबर, ऑलवेज ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्रूट जूसेस, ग्रीन ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, ईट फ्रूट्स. सो ऑफकोर्स अगर आप ये प्रॉपर डाइट फॉलो करोगे, टेक गुड स्लीप, एटलीस्ट 8 hours, 6 to 8 hours स्लीप इज रियली इंपॉर्टेंट. सो या ओके, रेखा एक और दर्शक है हमारे साथ दिल्ली से, रेखा स्वागत है, सवाल क्या है आपका? हाय खुशबू. हेलो रेखा. Hi, I just wanted to ask, actually I'm a ramp model. Every day I get so much makeup on my face, they put so many cakes of makeup on my face, and you know during the night I just feel so guilty. So I just wanted to ask you, what's the best way of dealing with this guilt? Because every day I go through so much on my face, you know, and I just sometimes feel that, you know, I should either, you know, kind of change my profession, because sometimes I get pimples, sometimes, you know, I get rashes on my face, and you just have to get going because it's a profession where I can't just skip your work. It's like work for me. So I just wanted to ask, well, what can I do in this return? How can I actually kind of, you know, do something, I can follow a regime in the night where I can kind of, you know, make my face get better basically. Yeah, Rekha, you know, if you're a model, then of course you have to apply makeup, and that protects your skin as well in so much of lighting, because when once you walk on the ramp, so there are so many lights and everything, so say makeup aapki skin ko protect karta hai. But yeah, at night once you go back to your home, remove your makeup, give some time to your skin to breathe in, to breathe out, and then apply a good toner and a good moisturizer, good serum, good eye cream, and a night cream.
And you can, you know, you can follow exfoliating at least twice a week as well. And this would always keep your skin fresh and glowing. यंगस्टर्स क्या करें, क्योंकि देखिए मेकअप का जो क्रेज है वो टीनेजर जो है उनको भी होता है और वो ही एक तरह से एज होती है जो एक्ने प्रोन होती है, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? यंगस्टर को मैं इतना सजेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज उनकी अगर यू नो इफ समबडी इज ऑफ 16 और 17 इयर्स और इन अ टीन एज, तो उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी अच्छी होती है, नेचुरल स्किन इतनी अच्छी होती है कि उनको मेकअप की इतनी जरूरत नहीं होती है. बट देन ऑल्सो इफ दे लव मेकअप, इफ दे वॉन्ट टू अप्लाई समथिंग, सो गो फॉर अ टिंटेड मॉइस्चराइजर और सीसी क्रीम और अ शीयर फाउंडेशन एंड लिल बिट ऑफ ब्रॉन्जर, अ लिल बिट ऑफ लिप ग्लॉस एंड लिपस्टिक एंड यस यू गुड टू गो. ओके, अदरवाइज अगर किसी की एक्ने प्रोन है या किसी कारण को प्रॉब्लम होती है तो प्रोडक्ट्स का खास ख्याल रखना चाहिए, या फिर जब अप्लाई कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं उस दौरान किन किन चीजों का किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? प्रोडक्ट्स का तो ख्याल रखना ही चाहिए जैसे मैंने बताया अभी, बट अप्लाई करते टाइम उनको, बिकॉज एक्ने प्रोन स्किन होती है तो वो थोड़ी पील ऑफ होती है, ड्राई होती है, पैची होती है, तो उसमें क्या होता है जब हम अप्लाई करते हैं तो उस मेथड में अगर हम ब्रश यूज करते हैं तो दैट क्रिएट्स माइक्रो एक्सफोलिएशन. सो हम ब्रश ना यूज करके स्पॉन्ज यूज करें और हल्का, बहुत ही कम से कम, लेस इज ऑलवेज मोर, हल्का सा प्रोडक्ट लगाएं एंड उसको हल्का सा डैप करें, ब्लेंड करें, एंड देन येस दैट वुड बी मोर देन इनफ. ओके, निकिता एक और दर्शक है हमारे साथ, स्वागत है निकिता, क्या है सवाल आपका? जी मैं, हेलो खुशबू, मेरा सवाल है कि जैसे कि डार्क सर्कल आ गए हैं फेस पे तो उसे कैसे क्लीन करना चाहिए? डार्क सर्कल को कैसे क्लीन करना चाहिए? हाँ जी, जैसे डार्क, जैसे चेहरे में आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाती है, कैसे हटाना चाहिए? ओके ओके निकिता, डार्क सर्कल को कम्प्लीटली हटाना तो आई वुड से नॉट पॉसिबल. येस ऑफकोर्स आप उसको बेटर कर सकते हो विद योर गुड डाइट एंड यूज हाइड्रेटिंग क्रीम, हाइड्रेटिंग आई क्रीम. एंड अगर मेकअप से आपको छुपाना है तो आप ऑरेंज, डिपेंड्स अपॉन योर कॉम्प्लेक्शन, ऑरेंज और पीचिश टोन का ब्लश कंसीलर यूज करें, सॉरी. एंड ऑफकोर्स आप उसको मेकअप से छुपा सकते हो एंड स्किन केयर पे अपने ध्यान देके आप एक अच्छी हाइड्रेटिंग आई क्रीम लेके आप उसको अप्लाई कर सकते हो मॉर्निंग एंड इवनिंग. ओके, प्रिया एक और दर्शक है हमारे साथ, स्वागत है प्रिया, क्या है सवाल आपका? हेलो जी मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना था कि मुझे मेकअप का बहुत शौक है, तो लाइक मैं यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल देख करके मेकअप वगैरह सीखती हूँ, तो अगर मुझे कोर्स करना है तो कौन सा जो मिनिमम ड्यूरेशन है जिससे मुझे आगे चल के मैं करियर बना सकूँ, तो क्या कर सकती हूँ मैं? प्रिया दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एंड मेकअप में आपको अगर कोर्स करना है दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा ही फील्ड में जाना चाहते हो. सबसे पहले आप ये डिसाइड करो, इधर यू वॉन्ट टू गो टू अ फैशन इंडस्ट्री और मॉडलिंग इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड और यू नो स्टेज, स्टेज पे भी बहुत अच्छे क्रिएटिव मेकअप होते हैं और वेडिंग इंडस्ट्री. एंड उसके अकॉर्डिंग आप पहले वो डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग आप कोर्सेज चूज करो. कोर्सेज होते हैं 1 month, 3 month, 6 month, 12 months, अगेन डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंसेस. ओके, टैनिंग एक बड़ा इशू है, उसको लेकर क्या बताएंगे आप? क्योंकि या पिगमेंटेशन, टैनिंग, ये क्योंकि हम जिस तरह के देश में रहते हैं और सन जिस तरीके से है और एक्सपोजर जिस तरह का रहता है, उसको लेकर क्या रेमेडी हो सकती है? टैनिंग के लिए मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट्स को, सभी को ये बोलती हूँ कि ऑलवेज यूज सनस्क्रीन. विदाउट सनस्क्रीन, इवन इफ यू आर स्टेइंग एट होम, अगर आप घर पे ही हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, आपका सन में एक्सपोजर नहीं हो रहा है, तब भी आप सनस्क्रीन यूज करो. एसपीएफ 30 से एसपीएफ 50, एटलीस्ट आप एसपीएफ 30 तो यूज करो ही करो. सो एंड ऑलवेज री अप्लाई योर सनस्क्रीन आफ्टर 2-3 आवर्स इफ यू आर इन यू नो सन एक्सपोजर. अगर आप बीचेस पे जा रहे हो और तो वाटर प्रूफ सनस्क्रीन यूज करो. ओके, लवली एक और दर्शक है कानपुर से, स्वागत है लवली जी, क्या है सवाल? हेलो जी मैम, मेरा फेस थोड़ा डार्क है और मेरी मैरिज होने वाली है 28 नवंबर को, तो मैं कौन सा अच्छा प्रोडक्ट लूँ ग्लो आता रहे मेरे फेस पे? आपका फेस डार्क है, अगर किसी का फेस डार्क होता है तो उसका फेस थोड़ा अनइवन टोन होता है, सो दैट डिपेंड्स. अगर आप अपना फेस, अपना कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा इन्हांस करना चाहते हो तो जो आपके फेस का जो लाइटर पार्ट है, अगर आपके चीक बोन्स और यू नो फ्रंट पोर्शन अगर थोड़ा सा लाइट है, तो उसका और डार्क जो डार्कर पोर्शन है उसके बीच का फाउंडेशन आप यूज करिए एंड आप हाईलाइट करने के लिए कंसीलर यूज करिए अपने नेचुरल शेड से, 2 शेड लाइटर.
ओके बहुत शुक्रिया खुशबू जी, आप आए स्टूडियो में वक्त निकालकर और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली बीइंग हियर, थैंक यू। और आज के लिए सक्सेस मंत्रा में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए न्यूज ऑल इंडिया। विश्वास के साथ किसकी परछाई में महफूज रहोगे तुम, कौन रखेगा तुम्हारा घर अंदर सलामत। एक नाम जो देता आया है भारत की हर इमारत को बुनियाद, अब उसी पे खड़ा होगा आपका मकान। जिंदल स्टील एंड पावर पेश करते हैं जिंदल पैंथर, सच्चे सरिये की पहचान, पैंथर का निशान।